मिकी आर्थर साहब, ये पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम है, खुदा के लिए तमाशा मत बनाएं। मजीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। लाइक और शेयर करने के साथ साथ पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट करके सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। दोस्तों, मिसबाह के 7 साल दौरे कप्तानी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उन 7 सालों में टेस्ट टीम की ड्रेसिंग रूम से कोई एक भी मुतनाज़े खबर नहीं आई। टीमों में हार जीत तो चलती रहती है, ज्यादा अहम बात ये होती है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है। मिकी आर्थर भी इस बात से बखूबी आशना है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया ग्रुप में मैच से पहले उन्होंने ही ये निशानदेही भी की थी कि किसी भी टीम की परफॉर्मेंस के लिए बुनियादी चीज कोच और कप्तान का रिश्ता होता है। मिकी आर्थर ने मजीद बड़ा ये भी कहा था कि अनिल कुंबले और कोहली के बीच दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि मेरा और सरफराज का रिश्ता बहुत मजबूत है, और जब कोई टीम जवाल की राह पर चलने लगती है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि उसके ड्रेसिंग रूम की बातें बड़े बाजार में जेरे बहस आने लगती हैं। मिसबाह के ड्रेसिंग रूम की संजीदगी ये थी कि 7 साल में एक भी खबर नहीं निकली। अब सरफराज के ड्रेसिंग रूम से खबरें ही निकलती रहती हैं। पहले टेस्ट में जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तानी बैटिंग की हस्बे तौफीक जग हंसाई हुई, बजाय इसके मिकी आर्थर बैटिंग कोच के साथ सर जोड़कर बैठते, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स के साथ सर टकराना शुरू कर दिया। इसमें दो राय नहीं कि इमामुल हक, शान मसूद और बाबर आजम के सिवा सारे पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। कोई भी क्रीज पर एतमाद से खड़ा नजर नहीं आया। फ्रंट फुट जा रही है, दिफा, तकनीक, सभी मसाइल दिखाई दिए। ऐसे मौके पर प्लेयर्स की बाजपरस बिल्कुल बजा है और पूछा जाना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे ऐसी बुनियादी खामियां क्यों हैं। मगर साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि कोचेस भी इस नाकामी के हिस्सादार हैं या नहीं। 6 साल कबल एक मैच में बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो इंटरव्यू में उन्होंने रमीज राजा को अपनी कामयाबी का राज ये बताया कि मिकी भाई और फ्लावर भाई उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, जिस पर राशिद लतीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि भाई कल कला अगर बाबर आजम नाकाम हुए तो मिकी भाई और फ्लावर भाई किस हद तक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में जिस तरह मिकी आर्थर हसन अली से नाराजगी का इजहार करते पाए गए, वो एक कौमी टीम के कोच के शायाने शान नहीं था। इसी तरह PSL 2 में जिस तरह कैमरे के सामने उन्होंने सोहेल खान को रुसवा किया, वो किसी पेशावर अहदेदार का रवैया नहीं हो सकता। दुनिया भर में कोचेस की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर दिया करें, खिलाड़ियों की तकनीकी खामियां ठीक करें, उनकी नफसियाती उलझनों के जवाब दें, ड्रेसिंग रूम को जोड़ के रखें। मगर मिकी आर्थर जवाब देने की बजाय उल्टा प्लेयर से ही सवाल करने लगते हैं। कोई भी एशियाई टीम जब जनूबी अफ्रीका जाती है तो उसकी बैटिंग लाइन मसाइल से गुजरती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी कुछ मुख्तलिफ नहीं किया, उन पर तनकीद बजा, मगर इस तनकीद का जवाब आपकी ट्रेनिंग और अगले मैच में तैयारी से मिलनी चाहिए, ना कि ड्रेसिंग रूम में नोक झोंक की खबरों से। और अगर सीखना होता तो इसी हार से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। दोनों इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने जैसी बॉलिंग की, इससे सीखा जा सकता है। अलेगर और आमला की पार्टनरशिप से सीखा जा सकता है। बाबर आजम और शान मसूद की इनिंग से सीखा जा सकता है। सरफराज बतौर बैट्समैन तो बुरी तरह नाकाम रहे, मगर कप्तानी में उन्होंने कोई बुरे फैसले नहीं किए। बैटिंग की खराबी अपनी जगह, मगर ये भी तो देखिए कि बॉलर्स ने दिल जीत लिए। मगर शुमई किस्मत के जहां इन मुस्बत पहलुओं की बात होना थी और इन गलतियों की दुरुस्तगी पे बहस होनी थी, मीडिया में जेरे बहस ये है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में कैसे कोच और असद शफीक अजहर अली के दरमियान झड़प हुई, कैसे कोच साहब बरस पड़े और कैसे सीनियर प्लेयर्स ने बदतमीजी की। मिकी आर्थर साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम है, ये दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। इसमें जो भी बात हो उसे मीडिया पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, ये है डॉक्टर अली की राय। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे कमेंट कर दें। डॉक्टर अली को इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खेलों समेत हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गुमनाम हीरोज को सलाम।